सबसे पहले आपका नाम? मैं अबूजर। अबूजर साहब, सुना है बहुत आजकल आप चर्चे में हैं और आपका गाना जी म्यूजिक ने रिलीज किया है, तो क्या कहेंगे कुछ अपने बारे में? नहीं, गाना इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है आप सबकी दुआ से, और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और स्पेशली 3 गाने अभी रिलीज़ हुए मेरे जी से, फिल्म लिटिल बॉय के, और मुरादों और सोनू निगम जी ने गाया है अलविदा, और देव नेगी और रोमी मुखर्जी ने गाया है रब्बा मेरे रब्बा, लेकिन मुरादों जो ऐश किंग ने गाया है वो इस वक्त जो है काफ़ी तेज़ी से लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद ये भी गाने कर रहे हैं, लेकिन मुरादों जो है वो यंगस्टर्स हर एज ग्रुप में जा... आज के दौर में म्यूज़िक आप कहाँ देख रहे हैं, जिस तरह से क्रेज चेंज हो रहा है, मतलब म्यूज़िक का लुक चेंज हो गया है, हनी सिंह जैसे गायककार आ गए हैं, पहले सूफीज़म ज़्यादा था, तो आपका जो एक म्यूजिशियन जो ग्रुप है वो किस लेवल पर काम कर? देखिए म्यूज़िक का क्या है, बीच बीच में लोग आएंगे जाएंगे, टेस्ट थोड़ा चेंज होगा, लेकिन मेन जो है मेलोडी, मेलोडी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, और ये अभी जो हमारा गाना मुरादों जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इससे इस बात का सबूत है ये कि अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। अलविदा सोनू निगम जी का आप सुने, बेहतरीन गाना गाया है उन्होंने, और बेहतरीन लिरिक्स हैं, बेहतरीन सॉन्ग है वो, तो ये इस बात का प्रूफ है कि लोग आज भी अच्छी चीज़ पसंद करते हैं और उनको अच्छी चीज़ चाहिए। किस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला है लोगों से, जैसे कि आपके 3 गाने हिट हुए हैं बैक टू बैक, और एक ही फिल्म के 3 गाने लाखों लोगों ने देखा है यूट्यूब पे, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है उन सब चीज़ों को देखने के बाद, आप कहाँ अपने आपको फील करते? नहीं, मेहनत कामयाब हुई जो हमें उम्मीद थी ऑडियंस से हमारी कि अच्छी चीज़ अगर हम देंगे तो पसंद करेंगे, वो पूरी तरह से इस बात का सबूत है कि हाँ उन्होंने सराहा है इस चीज़ को और इस चीज़ को बहुत पसंद किया है, और जैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनके फ़ोन आ रहे हैं, यही है कि भाई ऐसी ही चीज़ आनी चाहिए जिस चीज़ की उम्मीद है, बाकी तो ठीक है आता रहता है जाता रहता है, मगर देर तक सस्टेन करने वाली चीज़ यही है, यही गाने हैं और यही मेलोडी है, यही म्यूज़िक है इसको। कितनी मेहनत आपकी है इस गाने के पीछे, कुछ बताएंगे पीछे की स्टोरी? देखिए मेहनत की बात है तो मेहनत तो कंपोजिशन करने में लगती ही है, अगर आपको अलग थोड़ा देना है, जो दौर चल रहा है जो आजकल म्यूज़िक का वो चल रहा है, उस बीच में आपको अगर एक गाना अपना दे के पहचान बनानी है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, और ये आप गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा जी म्यूज़िक पे आप सुने, मुरादें हैं, मुरादों से मिले हो तुम, और अलविदा अलविदा करके सोनू जी का, तो आपको लगेगा हाँ डिफरेंट कंपोजिशन है, एक मेलोडी आई है, हर तरह का आज का गाना है, यूथ का गाना है, जिसको हर एज ग्रुप पसंद कर रहा है, तो उसको करने में काफ़ी मेहनत लगती है, और डिफरेंट करना है तो ऑब्वियसली उसके पीछे। अब आगे क्या, ये तो आपने कर दिया, लोगों ने पसंद भी किया, इसके आगे की उड़ान आप कैसे उड़ रहे हैं? देखिए इसके आगे अभी एक और गाना मैंने किया जो नकाश अजीज़ ने गाया, अभी रिसेंटली किया है यहीं पर, तो वो भी गाना ज़बरदस्त है, और यही उम्मीद है कि भाई जो हमारा एक वो बना है उससे ऊपर ही जाना है धीरे धीरे, और अच्छा म्यूज़िक जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वही अपने ऑडियंस को देना है, वही अपने सुनने वालों को देना है। कलाकार फेमस हो जाते हैं, गाने बनाने वाले जो है रह जाते हैं पीछे, तो इसके पीछे का राज कुछ बताएंगे कि आपका कभी दिल में ये नहीं हुआ कि मैं भी फेमस हूँ, मुझे भी कुछ लोग देखते हैं, आप एक कलाकार हैं पीछे के कलाकार हैं, मतलब इतना अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, खुद से कभी चाहने दिल में? नहीं देखिए आजकल क्या है, आजकल मीडिया इतना ज़बरदस्त है कि लाख छुपाएं आप जैसे लोग हैं उनको आगे बढ़ा ही देते हैं, उनको सच्चा वो दिखा देते हैं कि भाई देखो इस आदमी की मेहनत है, ये आदमी है, आज तो दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है, तो सब एक दूसरे से वाकिफ़ हो जाते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे, ये चीज़ें हैं। और दर्शकों से कुछ कहेंगे? दर्शकों से यही कहेंगे कि आज जब भी सुनिए तो अच्छी चीज़ सुनिए और उसको सराहिए, जिसने मेहनत सचमुच जिसकी मेहनत है, जैसे मेरे गानों में आप देखेंगे लिरिक्स बहुत अच्छे हैं,
म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सूदिंग म्यूज़िक है, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया उसके ऊपर और अच्छे कमेंट्स किए, तो उस चीज़ को आप सराहिए और उसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है आजकल देखिए मीडिया का ज़माना है, पब्लिसिटी का ज़माना है, बड़ी बड़ी फिल्मों के बहुत बजट होते हैं पब्लिसिटी के। हमारी फिल्म अरुणाचल प्रदेश की स्टोरीज बेस्ड फिल्म है लिटिल बॉय, उसके गाने हमने अलग किए हैं, बहुत अच्छे हैं, सराहे जा रहे हैं, लेकिन उसको आप भी बढ़ाइए। आप अगर अच्छा म्यूज़िक पसंद करते हैं तो आपका भी थोड़ा हक ये बनता है कि उसको आपस में एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, जैसा कि सोशल मीडिया का काम है। तो आगे गाना बढ़ेगा तो लोग अच्छी चीज़ को पसंद करेंगे, ख़राब चीज़ मार्केट से निकलेगी जो हावी हो जाती है। बस यही कहना है कि अच्छी चीज़ को बढ़ाएं, सुने और उसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।